today we learn subject stat chapter number 2 presentation of data. Last time collection of data apna chapter dekha tha pura theoretical chapter tha aur ye chapter practical hai pura presentation of data. Ab data kis tarah present karte hain, teen cheezon mein present hota hai wo classification, tabular aur diagram. Ye teen cheezon mein data presentation hota hai, presented hota hai. Ab classification, tabular aur diagram ye teenon alag hi chapter samajhenge apne, teenon ki alag hi exercise hai. बरोबर, पहले अपना आप सीखेंगे क्लासिफिकेशन. द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज रेसिडिंग इन द सर्टेन एरिया गिवन बिलो, प्रिपेयर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है अपने, तो ये नंबर कैसे है, स्मॉल नंबर है, मतलब स्मॉल नंबर है, तो ये 0, 1, 2 एंड 3, तो अपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसमें 0, 1, 2, 3 लिखना है. टैली मार्क, टैली मार्क, 0 कितनी बार आता काउंट करने का, 7 टाइम 0 आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फ्रीक्वेंसी में 7 लिखे हैं. 1 कितनी बार आ रहा है, 16 टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 16. फिर 2 कितनी बार आ रहा है, 20 टाइम्स. 20 टाइम्स आएगा. 3 कितनी बार आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है. फिर इसका टोटल करने का आपने, इसका टोटल होगा 50. ये उन्होंने क्लासिफिकेशन की मेथड देखी जिसमें क्लासिफिकेशन बनाने का एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला, जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसमें 0, 1, 2 और 3 लिखने का, सेकंड कॉलम टैली मार्क का आएगा और थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी का आएगा. फिर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है इसको अपने काउंट कर सकते और 0, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3. फिर इसके बाद जो सम कराएंगे उसमें क्लास बनानी पड़ेगी. बरोबर, थैंक यू.